हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और हम आज एक और रिएक्शन वीडियो देखेंगे आप लोगों के साथ बैठ के। माई सेल्फ लुकमान एंड आई एम आदिल। अच्छा, ये लाइनें जब चेंज करता है ना मुझे बता दिया कर कम ये एकदम मेंटली बंदा तैयार हो जाता है। ये अचानक होता है, अचानक नहीं होता ये, मतलब बंदा कुछ सोचता तो है ना, मुझे बताया कर आदिल आज मेरी लाइन चेंज है, फिर वो एक फ्लो बना हुआ होता है, मैं वही लाइन बोलना चाहता हूँ बार बार। तुम बोलो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है वो है टॉप 20 मोस्ट व्यूड साउथ इंडियन सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, हम साउथ इंडियन सॉन्ग्स पर ही क्यों रिएक्ट करते हैं? वैसे मैंने लास्ट टाइम देखा है 2-3 वीडियोस सारी साउथ इंडियन सॉन्ग्स की, क्योंकि उनकी सजेशन आती है। नॉर्थ इंडियन वाले नहीं करते अपने सॉन्ग्स की सजेशन? हमने लास्ट टाइम देखा एंटी, उससे पहले भी हमने साउथ इंडियन ही देखा था। नॉर्थ इंडियन वाले सॉन्ग हम सुन लेते हैं शायद इसलिए, मे बी साउथ इंडियन हमें समझ भी नहीं आते वैसे, लैंग्वेज बैरियर्स, लेकिन उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस 20 साउथ इंडियन सॉन्ग हम एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। वाओ, दफाओ स्टार्ट कर आपका अगर भाषण खत्म हो गया तो हम वीडियो शुरू करें। अच्छा, मैंने आज पहली दफा जिंदगी में 2-3 लाइनें इकट्ठी बोल ली, वरना 2-3 मिनट से पहले तो चुप करता है, मुझे सीरियसली बता। अब अगर आप होश हो जाए तो हम वीडियो शुरू करें। स्टार्ट करते हैं, मैं जो कहाँ से आते हैं मैं तो बोलता ही नहीं हूँ यार, सीरियसली नहीं। अब अगर मैं अच्छा मैं चुप हूँ, स्टार्ट कर प्लीज। वीडियो के बाद देख लेना कौन ज्यादा बोलता है, वीडियो देख कर। ओके, గుడి కట్టాలనిపిస్తుంది, క్రేజీ 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 ఫీలింగ్. భద్రవటకం కైలేందం తంబోరటే నల్
ఉఫమా అంటూ ఊదడు, టమాటాపైనా నన్ను ఊరుకోబెట్టడు. तो कैसे लगे सर? मुझे सिर्फ ये आखिरी वाला वो बात गाना था जो मुझे समझ आया, और जो बाहुबली वाला था ये दो गाने थे जो सुने हुए थे. मैंने इनमें से वो सुना हुआ था अभी पिछले दिनों किसी ने सजेशन में भेजा इनके में इनके. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ना, अब इन सारी ये जो साउथ इंडियन मूवीज़ है ना, इसमें मुझे पहले मैं समझता था इसमें सिर्फ एक्शन मूवीज़ ही होती हैं सारी, काफ़ी वो हीरो को बहुत ज़्यादा पावर्स वाला बंदा दिखा देते हैं, सुपर पावर्स वाला बहुत चलते हैं. लेकिन ये सारे गाने देख मुझे लग रहा है कि एक बड़ी बैलेंस किस्म की इंडस्ट्रीज हैं ये लोग, और हर तरह का कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा है, हर तरह की इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की वीडियोस मौजूद थी ना गाने की. मैंने खुद वीडियोस मूवीज देखी हैं जिनमें बड़ी हाँ सॉफ्ट सी मूवीज है, कोई ज्यादा एक्शन नहीं, प्रॉपर एक्शन के अलावा भी एक अच्छी स्टोरीज पे मूवीज बन रही है वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है तो नहीं पहुंच पाती है, डब होकर भी वो वाली देखी जाती हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं. ठीक है, तो नॉर्मली हर मूवी यहाँ तो डब नहीं होती, या डब भी होती है तो हर बंदा देखता नहीं है. जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बॉलीवुड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ज्यादा वो ग्लैमर ऐड किया. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि साउथ की जितनी मूवीज हैं उन्हें वल्गैरिटी वाला एलिमेंट ना होने के बराबर, और ये जो मैंने पूरा देख रहा हूँ वेरी क्लोज टू द रियलिटी, या वो वाकई रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट्स को ना, बिल्कुल उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली उनका कल्चरल मूवीज होती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, ये मतलब एक क्लियर डिफरेंस नजर आता है आपको बॉलीवुड में और ये जो जितनी ये साउथ इंडियन मूवीज. बॉलीवुड मतलब बहुत ज्यादा वो फैंटेसाइज कर देते हैं हर चीज को, और अजीब रियलिटी के क्लोज नहीं लगती. एग्जैक्टली, ये जो मूवीज हैं साउथ की मैंने खुद ऑब्जर्व किया ये रियलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, तो आई और अपने कल्चर को फॉलो करने वाली. तो इस हिसाब से मेरे हाल से ये मूवीज कंपैरेटिवली बेटर हैं उस हिसाब से. बट उसमें यह है कि क्योंकि उसकी शायद ऑडियंस ज्यादा है बॉलीवुड मूवीज की, दूसरा उसमें जरा ज्यादा हाई पेइंग किस्म की वो पैसा बॉलीवुड में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व, तो इस वजह से शायद वो ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है वर्ल्ड वाइड. बट अदरवाइज मुझे ये वीडियोस खास तौर पे देख के जो मुझे मूवीज नजर आ रही है मेरे हाथ से साउथ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएट हो रहा है. क्योंकि अल्टीमेटली ये मूवीज और जितनी ये इंडस्ट्री है इसका मकसद जो है वो इंटरटेनमेंट है ना, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर इंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट हो रहा है, और साथ में एक अच्छी स्टोरीज और अच्छे मैसेजेस लोगों को प्रोवाइड करें, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये बेहतर काम करें. तो आप लोगों को क्या लगता है बॉलीवुड या साउथ की मूवीज कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियसली फेमस तो बॉलीवुड. कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं थी, ये तो गाने वाले थी, हमने बना दिया हमें, क्योंकि गाने तो समझ आए नहीं है. म्यूजिक भी इंजॉय करने के लिए बहुत कम स्पैन था कि बंदा म्यूजिक को अच्छे से इंजॉय कर सके, तो हमें जो चीज नजर आई मुझे लगा था कोलावेरी वाला सॉन्ग चलना चाहिए, उसका मजा आना शुरू हुआ. बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा सॉन्ग चले तो फिर बंदा एक रिदम में आता है. तो ये लेकिन 20 सॉन्ग्स थे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी. खैर अभी भी बहुत मजे की थी, जिन लोगों को समझ आया होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो थी. बट ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी है, इन ऑब्जर्वेशन को लेकर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करके बताएं आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में. और अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो हम देखें तो उसका लिंक आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू या कमेंट्स में दे दें. And don't forget to subscribe our vlogging channel as well. See you guys in next video. Until then, khuda hafiz.